हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स। लेक्चर 1 मैंने कुछ दिनों पहले अपलोड किया था, जिसमें प्रीवियस ईयर्स 2019 और 2020 के क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए थे। यहाँ पर आज इस वीडियो में 2019 का है क्वेश्चन और 2018 के क्वेश्चन है, तो वो हम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी है, सभी को अच्छे से आता है, फिर भी एक बार मैं करा देती हूँ। थ्री रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। यू हैव टू राइट एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ए पार्ट, अगर आपको सीरीज में कनेक्ट करना है रेजिस्टर्स को, सीरीज कॉम्बिनेशन है जिसमें रेजिस्टर्स है R1, R2, R3, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को RS सीरीज के लिए लिख सकते हैं सबस्क्रिप्ट में, या फिर आप R इक्विवेलेंट लिख सकते हो, EQ लिख सकते हो, या RE लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी चलेगा इनमें से, जो चाहे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, सेकंड पार्ट में आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला गया है। पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब इस तरह से हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे सर्किट में। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/RP, एक्सप्रेशन क्या होगा? 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, वेयर RP इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। EQ लिख सकते हैं या RE भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर, ये तो आप पढ़ चुके हैं। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ऑफ 12 ओम ईच आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। तो यहां पर आपको दो आइडेंटिकल रेजिस्टर्स दिए हुए हैं ऑफ 12 वोल्ट ईच। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम बाय द रिजल्टिंग कॉम्बिनेशंस विद मिनिमम रेजिस्टेंस एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो देखिए, मिनिमम रेजिस्टेंस कब मिलेगा? कब मिलेगा मिनिमम रेजिस्टेंस? जब पैरेलल में हो। अभी देखा था हमने, जब पैरेलल में होते हैं रेजिस्टर्स तो 1/R1, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो पैरेलल में मिनिमम रेजिस्टेंस हमें मिलता है। तो पहले मिनिमम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। मिनिमम रेजिस्टेंस का मतलब हुआ कि हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। रेजिस्टर्स का वैल्यू क्या दिया है? 12 ओम। ठीक है, तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें। मिनिमम रेजिस्टेंस कितना होगा? अब देखिए, मैंने लेक्चर 1 प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, जिन्होंने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है वो इसको देख लीजिए। 1/RP अगर दो ही रेजिस्टर्स हैं तब हम क्या कर सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं, ये तो आपका फॉर्मूला ही है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में अगर आप सॉल्व करेंगे तो R1 R2 LCM, राइट? R1 R2 LCM, न्यूमरेटर में क्या आएगा? R2 प्लस R1। सो RP कैन बी रिटन एज, रेसिप्रोकल कर दें, R1 R2 upon R1 plus R2। आप इसको इससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये प्रेफर करती हूँ क्योंकि इससे थोड़ा सा और जल्दी हो जाता है, एक स्टेप और कम हो जाता है आपका। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? RP विल बी इक्वल टू R1 into R2 upon R1 plus R2। ठीक है, R1 and R2 are 12 ohm each, कितना हो गया? 12 into 12 upon 12 plus 12 is 24। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 6 ohm हमें मिल गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिनिमम। ठीक है, अब पावर निकाला हमें, इसको हमने कनेक्ट किया है बैटरी से, 3 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, पावर का फॉर्मूला, पावर के 3 फॉर्मूलेज होते हैं। यहां पर हम कौन सा यूज करें? P = VI, सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास क्या क्या डेटा है। हमारे पास यहाँ पर R है, इसका मतलब, और I नहीं है, इसका मतलब हम दूसरा फॉर्मूला यूज करें। दूसरा कौन सा? हमें I नहीं है, दैट मीन्स हमें I को एलिमिनेट करना है, तो I की जगह हम क्या लिख सकते हैं? V/R लिख सकते हैं ओम्स लॉ से, क्योंकि V = IR होता है। तो यहां से I कितना जाएगा? V/R। ठीक है, तो ये हो गया V² / R। अब देखो, आपके पास डेटा जो है वो इसमें पुट कर सकते हैं क्या? पावर निकालने के लिए V हमारे पास है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है, रेजिस्टेंस हमारे पास है, तो चलिए इससे निकालते हैं पावर। यहां ले लें पावर इक्वल टू V² / R। V 3 वोल्ट है और रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी हमने निकाला 6, तो ये आ गया 3/2 वॉट पावर यूनिट। ठीक है, इतना क्लियर सबको?
तो मिनिमम रेजिस्टेंस से हमने पावर निकाल लिया कि कितना होगा, मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए पावर कितना होगा। अब हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए पावर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखते हैं हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब आएगा, जब हम उनको कैसे कनेक्ट करेंगे। इसको मैं इस डेटा को 3/2 को हम अलग से ले लेते हैं, पावर इक्वल टू 3/2 फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस, ठीक है। फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस पावर इज 3/2। अब हमें चाहिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब हो सकता है, जब हम उन रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करें, R1+R2, 12+12, दैट इज 24 ओम। अब फॉर्मूला हमने पहले भी डिराइव किया था, P=V²/R, सीरीज में आपने लगाए हुए हैं दो रेजिस्टर्स और ये बैटरी है इस तरह से, ठीक है। V² हो गया अपॉन R, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3/8 वॉट। तो दोनों केस में हमने पावर कैलकुलेट कर ली। अब हमें रेशियो निकालना है, पहले मिनिमम रेजिस्टेंस वाला पावर लेना है, रिक्वायर्ड रेशियो पावर फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस अपॉन पावर फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस। मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए पावर कितना हमने निकाला था, 3/2 वॉट, राइट, 3/2 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, डिवाइड है ना, तो डिवाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, डिवाइडेड बाय पावर फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस, दैट इज 3/8, राइट। अब हम डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे, ये डिवीजन का साइन है, इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी 4/1, रिक्वायर्ड रेशियो इज 4:1, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, इसी क्वेश्चन को सेम, जो सेकेंड पार्ट अभी मैंने बताया, इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं। एक तो अप्रोच ये हो गई, ठीक है, सबको क्लियर हो गया, हो गया होगा, लिख के करना, जरूर से लिख के करेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। इसको एक और अप्रोच से कर सकते हैं, वो भी मैं बता देती हूँ, फिर आपको जो अच्छा लगे उससे आप कर लेना। चलिए एक और अप्रोच सेम क्वेश्चन के लिए, देखिए पावर के बच्चे नॉर्मली इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, P=VI यूज करें या P=V²/R यूज करें या P=I²R यूज करें। तो यहां देखो इस क्वेश्चन में क्या सेम है, क्या सेम है, रेजिस्टर्स को हमने जब सीरीज में लगाया या हमने पैरेलल में लगाया तो क्या सेम है, वोल्ट, बैटरी का पोटेंशियल सेम है, ये बैटरी कनेक्ट की हमने, यहां पर भी बैटरी कनेक्ट की है, तो ये जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है ये 3 वोल्ट है दोनों केस में, ठीक है। तो V सेम है, V सेम है और हमें R दिया हुआ है, R हमने इक्विवेलेंट निकाला ना मिनिमम रेजिस्टेंस और मैक्सिमम रेजिस्टेंस करके, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें V कांस्टेंट है, ध्यान से देखिए, एक बहुत ही ईजी तरीका बता रही हूँ करने का, बहुत ही ईजी मैथड, यहां पर V कांस्टेंट है 3 वोल्ट, सीरीज में लगाओगे तब भी 3 वोल्ट है बैटरी का पोटेंशियल, और पैरेलल में लगाओगे तो भी बैटरी का पोटेंशियल 3 वोल्ट है, मतलब V कांस्टेंट है। तो P=V²/R में अगर V कांस्टेंट है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं P और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो पहले वाले केस में मिनिमम रेजिस्टेंस में हमारे पास कितना रेजिस्टेंस आया था, रेजिस्टेंस मिनिमम कितना आया था पैरेलल में जब हमने किया था, कितना आया था, हमने लिया था 12 और 12, इनका आया था 12 और 12 का मिनिमम रेजिस्टेंस आया था 6 ओम, और रेजिस्टेंस मैक्सिमम हमारे पास आया था 24 ओम, ठीक है। और पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, तो हम क्या लिख सकते हैं, पावर फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस अपॉन पावर फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस मैक्सिमम अपॉन रेजिस्टेंस मिनिमम, लिख सकते हैं, क्योंकि पी और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब रेजिस्टेंस मैक्सिमम कितना है 24 और मिनिमम है 6, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे उससे आप करिएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन के साथ और में था, ऑप्शन में था, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो इसका भी बहुत ईजी है, राइट अ रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ लेंथ एल। कोई एक सिलेंडर है ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका है ए,
रिलेशन बताना है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का. तो आपको पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर. रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. और इन दोनों को कंबाइन करके मिलता है आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए. और प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाता है इक्वल टू कॉन्स्टेंट से एंड दैट कॉन्स्टेंट इज नोन एज रेजिस्टिविटी रो एल अपॉन ए. तो ये हो गया रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. ठीक है, अब इससे हमें रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट बतानी है. ठीक है, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए से रो को आप लिख सकते हो आर ए अपॉन एल. ठीक है, अब हम यूनिट देख लेते हैं. रेजिस्टेंस यूनिट ओम, एरिया यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ यूनिट मीटर. ठीक है, तो एक मीटर और एक मीटर कैंसिल हो जाएगा तो आपको रेजिस्टिविटी की यूनिट मिल जाएगी ओम मीटर. ठीक है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर. इसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत इजी सा. रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर, लेंथ इज 5 मीटर एंड रेजिस्टेंस इज 100 ओम. इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज कैलकुलेट रेजिस्टिविटी. यू हैव टू कैलकुलेट रेजिस्टिविटी. ठीक है, पॉज करके ट्राई करिए और फिर आंसर चेक करिए, तब कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम कर सकते हैं. ठीक है, तो रेजिस्टिविटी यहां से आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल, रेजिस्टेंस इज 100, एरिया इज 3 × 10⁻¹⁷ एंड लेंथ इज 5 मीटर. कैंसल कर लो, इजी कैलकुलेशन है, 16 × 10⁻¹ ओम मीटर. अब देखिए कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि हम यहां तक छोड़ सकते हैं कि हम नहीं, प्रेफर करें कि आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में दें. एक्सपोनेंट आ रहा है यहां पर, तो प्रेफर करें कि आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में दें. स्टैंडर्ड फॉर्म मींस फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल नंबर. तो यहां पर 60 मतलब 60.0 है ना ये, तो हमें चाहिए 6. 60 को हम 6 कैसे लिख सकते हैं, ऐसा 60 को ऐसे लिख सकते हैं 6 × 10⁻¹⁷. ठीक है, यहां दिख नहीं रहा, मैं इधर करती हूँ. 60 को आप लिख सकते हो 6 × 10 और 10⁻¹ एज इट इज. ठीक है, तो कितना हो गया, ये 10⁻¹ है और 10⁻¹ है, बेस सेम है तो पावर्स एड होगी. 1 + −7 दैट मीन्स 1 − 7 दैट इज −6. सो दिस इज 10⁻¹ एंड द फाइनल आंसर इज 6 × 10⁻¹ ओम मीटर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2018 का क्वेश्चन है और 3 marks में आया हुआ है. शो हाउ विल यू जॉइन 3 resistors ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ohm सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज. दो ऑप्शंस दिए हैं, 13.5 and 6. ठीक है, तो देखिए 3 resistors हैं 9 ohm के, अगर तीनों को हम सीरीज में करते हैं तो क्या आएगा, क्या आएगा, प्लस कर दें तीनों को. अगर आप तीनों को सीरीज में कर देंगे, प्लस करना होता है सीरीज में, 9 + 9 + 9 तो 27 हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा है हमारे ऑप्शन से. अगर हम तीनों को पैरेलल में करते हैं तो क्या आएगा, 1/RP इज 1/9 + 1/9 + 1/9 दैट इज इक्वल टू 3/9. कैंसिल करोगे तो 1/3. सो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आया 3 ohm. इसका मतलब हमें ये तो कंफर्म हो गया कि तीनों रेजिस्टर्स सीरीज में एक साथ नहीं है और तीनों रेजिस्टर्स एक साथ पैरेलल में नहीं है. तो अब क्या करें, इसका मतलब ये हो गया कंफर्म कि इन दोनों के बीच में है ऑप्शंस. इसका मतलब दो सीरीज में और उसके साथ एक पैरेलल में, या दो पैरेलल में उसके साथ एक सीरीज में. ठीक है, तो अब ट्राई करते हैं हम, इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको ट्राई करने पड़ेंगे. तो ये सिर्फ ट्राई करके ही आप देख सकते हो. तो अगर हम इस तरह से बनाते हैं, दो पैरेलल में और उनके साथ एक को सीरीज में. पैरेलल कब, ये तो समझ में आता है ना आपको कि पैरेलल कब होगा, जब करंट डिवाइड हो रहा है. जब करंट डिवाइड होगा मीन्स वो रेजिस्टर्स पैरेलल में है, और जब करंट सेम जाता है तो मतलब रेजिस्टर्स सीरीज में है. तो यहां पर अगर हम 9 ohm और 9 ohm को पैरेलल में ले लें और उसके साथ ये सीरीज में ले लें, तो क्या इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 और इसका ये 9 ohm. ठीक है, देखते हैं, पहले करके देखते हैं. 9 और 9 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा पैरेलल में, मैंने बताया था R1 R2 / R1 + R2 डायरेक्ट यूज करते हैं. 9 × 9 / 9 + 9 दैट इज 18. ठीक है, कैलकुलेशन 9/2 मींस 4.5 ohm. ठीक है, तो अगर ये 4.5 ohm इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया और ये 9 ohm सीरीज में उसके साथ है तो कितना हो गया, कितना हो गया, आ गया आंसर,
ठीक है 13.5 ओम। दैट मीन्स पहले 9 और 9 ओम को हमें पैरेलल में लगाना है, उसका कॉम्बिनेशन हमें मिला 4.5 ओम, और उसके साथ हमें सीरीज में 9 ओम को लगाया, और सीरीज में क्या होता है आर एस लिख दें 4.5 प्लस 9 दैट इज 13.5। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ठीक है, क्लियर सबको? चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें 6 ओम निकालना है। ये अच्छा एक चीज और, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर रही हूँ, ठीक है, आप 1/R1 + 1/R2 लेके भी कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। आगे देखते हैं, हमें चाहिए 6 ओम। तो अगर हम दो सीरीज में ले लें और उसके साथ एक पैरेलल में 9 और 9, ये दोनों सीरीज में क्या होगा R1 + R2 सेकेंड पार्ट 9 + 9 दैट इज 18 ओम। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट हम यहां बना दें, चलो यहां बना देते हैं 9 + 9 का हो गया 18 और ये वाला 9। अगर ये पैरेलल में 18 ओम और 9 ओम पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा R1 R2 / R1 + R2 फॉर्मूला। ठीक है, 18 × 9 / 18 + 9 = 27 सॉल्व कर लेते हैं, 9 × 3 = 27, 3 × 6 = 18, ये आ गया आंसर 6 ओम। ठीक है, क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2018 का क्वेश्चन है, ऑप्शन में पहले वाला क्वेश्चन के साथ और में था ये। ठीक है, तो यहां देखते हैं, फर्स्ट तो ऐसा ही है, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, स्टेटमेंट तो आप दे ही देंगे, क्या हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, हीट इन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, एंड हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो इसको हम देते हैं एज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आप इसको प्रॉपर तरीके से बुक में देख सकते हैं, मेरा फोकस अभी न्यूमेरिकल्स पे है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल देखते हैं हम आगे। टू लैंप्स, वन रेटेड 100 वॉट 220 वोल्ट, 100 वॉट 220 वोल्ट एंड अदर 60 वॉट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, 60 वॉट 220 वोल्ट ये हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं बल्ब्स लैंप्स टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। सपोज ये मेन सप्लाई से इस तरह से कनेक्टेड है। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय टू बल्ब्स फ्रॉम द लाइन इन द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। तो सप्लाई वोल्टेज आपको दिया है 220 वोल्ट, करंट ऐसे जाएगा, सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल अगर इधर है बैटरी का, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। इसके बाद यहां पर पैरेलल में है तो करंट डिवाइड हो जाएगा, सपोज इसमें I1 करंट फ्लो होता है और इसमें I2 करंट, तो वो हमें I1 और I2 ही फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड करंट। पावर दिया हुआ है P1 100 वॉट, P2 60 वॉट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या यूज करें, पावर के तीन फॉर्मूलेज है हमारे पास, P = VI अगर देखें हम, पावर है वोल्टेज है और करंट निकालना है, तो डायरेक्टली हम ये यूज कर सकते हैं I1 के लिए P1 और I2 के लिए P2 यूज करेंगे। सो I1 इज P1/V फ्रॉम दिस फॉर्मूला, पावर 100 वॉट, वोल्टेज 220, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 2 × 5 = 10, 2 × 11 = 22, इसको कैंसिल करोगे तो डेसिमल में आपको मिलेगा 0.45 एम्पियर। नेक्स्ट हम लेते हैं सेकंड, ये करंट कितना होगा P2/V फ्रॉम द सेम फॉर्मूला, पावर कितना है 60 वॉट, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज है 220, 2 × 3 = 6, 2 × 11 = 22, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 0.27 एम्पियर। तो ये हो गया करंट दोनों का। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय टू बल्ब्स, 100 वॉट बल्ब से इतना करंट फ्लो होगा 0.45 एम्पियर, यहां पर होगा 0.45 एम्पियर और इसमें फ्लो होगा 0.27 एम्पियर। और अगर सपोज क्वेश्चन ने पूछा होता कि टोटल करंट कितना होगा, तो टोटल करंट सर्किट में कितना होगा I1 + I2, इनको अगर पूछा जाए कि टोटल करंट कितना है तो आप बता सकते हैं 0.72 एम्पियर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल डब्बा फोल्डिंग, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो आपके पास पहले एक रेजिस्टेंस वायर है, सपोज ये हम ले लें रेजिस्टेंस वायर इतना, ठीक है, इसका आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है 6 ओम। अब हम इसको डबल कर दें, मतलब क्या हुआ, लेंथ हाफ हो गई। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाना चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होगा,
ध्यान से समझिए क्वेश्चन को. सपोज आपके पास यहां पर है एक ये एक रेजिस्टेंस वायर, ये एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 6 ओम, राइट. अब हमने इसको क्या किया, फोल्ड कर दिया, इसको फोल्ड कर दिया, से डबल कर दिया बाय फोल्डिंग, ठीक है, इट इज डबल्ड बाय फोल्डिंग. तो अब क्या हुआ, लेंथ तो हाफ हो गई लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हुआ ना. अगर वापस देखो, ये आपके पास एक वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ एल है. सपोज पहले लेंथ एल है, पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ए है. फॉर्मूला हमारे पास क्या है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस इज रो एल अपॉन ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी इज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है. तो यहां पर क्या हुआ, हमने इस रेजिस्टेंस वायर, इस वायर को फोल्ड किया, इज डबल डब बाय फोल्डिंग, ये लिखा हुआ है, इट इज डबल डब बाय फोल्डिंग, ठीक है. तो क्या हो गया, लेंथ तो हाफ हो गई लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में भी चेंज आ गया, क्या आया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गई. तो लेंथ हाफ, नई लेंथ हाफ, इसका हाफ मान लें कुछ इतना, ठीक है, लेकिन ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो डबल हो गया ना, ठीक है. तो यहां पर लेंथ एल बाय टू और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 है, ठीक है, क्लियर. बस अब तो कुछ भी नहीं बचा, मेन पार्ट कर लिया हमने. तो नया रेजिस्टेंस आर डैश इज रो, नई लेंथ कितनी है एल अपॉन टू, नई लेंथ कितनी एल अपॉन टू, ठीक है, और नया एरिया कितना है 2 है, ठीक, कितना हो गया ये रो एल अपॉन 2 × 2 = 4 ए. अब यहां पर रो एल अपॉन ए कितना है, रो एल अपॉन ए कितना है 6 ओम, इस रेजिस्टेंस की जगह यहाँ पे 6 लिखना, रो एल अपॉन ए 6, रो एल अपॉन ए की जगह आप 6 लिख सकते हो, और ये है अपॉन 4, 6 अपॉन 4 कैंसिल करोगे तो 1.5 ओम. सो दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन एंड दिस कंप्लीट्स दिस वीडियो. थैंक यू.